मौत मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी बंद पड़े भवन की पार्किंग और छत पर झिंजर शराब बनाकर सप्लाई करते थे। पुलिस अब तक की कार्रवाई में 104 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। 623 लीटर शराब जब्त भी की जा चुकी है। जांच करने गृह विभाग के सचिव राजेश राजौरा, एडीजे एसके झा और रतलाम डीआईजी सुशांत सक्सेना उज्जैन पहुंचे। उधर देर रात कलेक्टर ने जहरीली शराब बनाने वालों पर रासुका भी लगा दी। खबर अब राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की है। उज्जैन में जहरीली शराब मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई। गांधीनगर पुलिस ने पारदियों से शराब जब्त की है। महिलाएं बना रही थी घर में कच्ची शराब। 62 लीटर कच्ची शराब के साथ 5 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। उज्जैन में जहरीली शराब के बाद ये बड़ी कार्रवाई। तो 62 लीटर कच्ची शराब के साथ 5 महिलाएं और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, महिलाएं ही घर में कच्ची शराब बना रही थीं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर पुलिस ने पारदियों से शराब जब्त की है। तो जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो ऐसे आप समझिए कि अलग अलग हिस्सों में इनका नेटवर्क कितना सक्रिय होगा और लोगों के लिए किस तरीके से ये उनकी जान के लिए नुकसान पहुंचा सकता है और खतरा उनकी जान के लिए बना हुआ है।